पीजीआई में दोबारा लगी आग पर जल्द पाया गया काबू। अस्पताल के एडवांस आई सेंटर में लगी थी आग। 2 घंटे के अंदर ही ओपीडी सर्विस को किया गया रिज्यूम। ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिनों लगी आग की घटना के लगभग 1 हफ्ते बाद ही ये दूसरी बड़ी घटना है, लेकिन पीजीआई स्टाफ के फुर्ती व चुस्ती से इस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। आज सुबह एक एडवांस आई सेंटर में एक फायर इंसिडेंस हुआ था। दैट इज अ माइनर फायर इंसिडेंस बेसिकली। उसमें देयर वाज अ लिटिल पावर फेलियर। आई थिंक दैट वाज बिकॉज द स्टॉर्म दैट वी हैड इन द मॉर्निंग, द वेदर वाज बैड एंड देयर वर लॉट ऑफ विंड्स ब्लोइंग। सो आई थिंक देयर वाज अ पावर आउटेज एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड प्रॉब्ली देयर वाज अ फ्लक्चुएशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, द मेन पावर सप्लाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर यूपीएस एंड द बैटरी सिस्टम, द बैकअप सिस्टम वाज अफेक्टेड. And one of the batteries probably blew, and that is being investigated, the exact cause. But as of now, what we understand is, even if there was one battery in which there was a problem, and because of that, there was a little fire, which was detected immediately, and the fire was put off within 5 minutes. But there was a smoke which is collected in that area, and so as a precaution, we evacuated all the patients over there in the eye center at that time, and also. Suspended the services because the electricity was not there, so we couldn't have run the services. Right, sir. Yeah. तो सर अभी ओपीडी सर्विसेज आर बैक टू द नॉर्मल? ओपीडी सर्विसेज आर बैक टू नॉर्मल। वो हमने थोड़ा सा उसको सस्पेंड किया था, लेकिन उसके बाद वो शुरू कर दिया। कि व्हेन वी रियलाइज कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, दैट फायर वाज पुट ऑफ, द स्मोक वाज लेट ऑफ। जी, तो सर ये जो यूपीएस सिस्टम था, इसका पावर सप्लाई कहां-कहां पे यूज होता था? ये पूरे काफी आई सेंटर में होता है वैसे तो, पर मोस्टली जो क्रिटिकल एरियाज हैं, हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जो कुछ लैब्स हैं, जो लेजर सर्जरीज हैं, तो वहाँ पे ये बहुत क्रिटिकल होता है कि पावर सप्लाई एकदम इंटरप्टेड चाहिए और अच्छी क्वालिटी की चाहिए होती है। तो सर अभी फिलहाल तो वो एरिया बहुत ही बिल्कुल ही खराब हो चुका है, तो अभी जो ओटीज हैं एंड जो एरियाज के बारे में आपने मेंशन किया है, उनके कामकाज पे कितना इफेक्ट पड़ा है? आज बंद करेंगे इसको, अभी तो टेक्निकली शुरू कर सकते हैं क्योंकि वो 2 घंटे के अंदर वो रिपेयर हो जाएगा। बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है वहाँ पे, सिर्फ बैटरीज जो है वो खराब हुई थी, वो रिप्लेस हो जाएंगे। सो विदिन 2 आवर्स वी विल डू दैट, एंड पर वी विल नॉट स्टार्ट दोज एरियाज टुडे बिकॉज वी हैव टू टेस्ट द सिस्टम। कल से वो शुरू हो जाएगा। तो सर कितनी कोई ऑपरेशंस जो आज के लिए टले हों, जो विच वर प्लान टुडे, एनी ऑपरेशंस एज सच? हाँ, ऑपरेशन थिएटर, जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशन थिएटर, लेजर सर्जरीज और कुछ लैब्स हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं, जो पावर सप्लाई के लिए, उनको हमने अभी शट डाउन किया है, वो कल से वो भी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज सवेरे करीब 9:25 पे पीजीआई में जो एडवांस आई सेंटर है, वहाँ पर एक माइनर फायर एक्सीडेंट हुआ। जो हमारा बेसमेंट है, जहाँ पर यूपीएस एंड जो सारी बैटरीज रहती हैं, ऑनलाइन बैटरीज होती हैं, उन बैटरीज में कहीं पर स्पार्क हुआ होगा, जिसके कारण वो बैटरी में नुकसान हुआ। बट फॉर्चुनेटली वो तुरंत विद इन 5 मिनट जैसे ही थोड़ा सा स्मोक हुआ, मौसम बाहर बहुत ख़राब था, लेकिन सौभाग्यवश एक हमारे सिक्योरिटी पर्सन ने इमीडिएटली वो देखा कि थोड़ा सा धुआं निकल रहा है वहाँ से, एंड इमीडिएटली वो उसको आग को बुझा दिया गया विद फायर एक्सटिंग्विशर। और हमारे जो फायर मैन थे, उन्होंने वो एबीसी और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज़ करके इमीडिएटली उसको आग को बुझा दिया गया। कोई भी नुकसान नहीं हुआ। एक बचाव के लिए सारे पेशेंट्स को इवैक्यूएट किया गया, एंड उस समय ऑपरेशन की तैयारियां चल रही थी, लकीली कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हो रहे थे, तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, एक्सेप्ट जो भी बैटरीज में थोड़ी सी जो नुकसान हुआ उनको छोड़ के, और किसी भी जान माल या किसी भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम लोग देख रहे हैं क्यों ये सब हो रहे हैं एक्सीडेंट, एंड किस तरह इसका बचाव किया जाए जो सर, सो दैट फ्यूचर में इस तरह की दुर्घटनाओं को हम प्रिवेंट कर सकें। सर ओपीडी रिज्यूम की जा रही है? हाँ जी, अभी मेरे साथ प्रोफेसर पांडव बैठे हैं, हू इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ऑलरेडी मरीजों को बोल दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोर हो गई है, सारी सर्विसेज रिस्टोर हो गई हैं, इनका एचआईएस सिस्टम भी है, वो भी काम करने लगा है, एंड अभी अनदर 15 मिनट में सारे मरीजों को अंदर आने दिया जाएगा और सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। कितनी देर में सर इसको आग जो घटना थी, इसको आग पर काबू पाया गया? और 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट। और फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया? वो एक प्रिवेंशन ये था, इसलिए सूचित किया गया था, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहीं पर ही
इमीडिएटली हमारे जो फायर पर्सन थे उन्होंने फायर के ऊपर कंट्रोल पा लिया। क्या सर जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है उनकी जो पालना है, चंडीगढ़ में दूसरी घटना हुई है आग लगने की, क्या ऐसी दिक्कत लग रही है आपको सर? ये अब कई बार ना कुछ चीजें होती हैं जो कई बार पता नहीं चलता, बट हमारी तरफ से अभी मैं जस्ट इंक्वायर कर रहा था हमारे बायोमेडिकल डिवीजन से, अभी रिसेंटली ही इसकी इंस्पेक्शन हुई है, ये हमारे बायोमेडिकल डिवीजन देखते हैं, इसकी इंस्पेक्शन अभी हुई है, बट कई बार पता नहीं चलता। पर्टिकुलरली हुआ क्या, आज सडनली मौसम तो बहुत ख़राब था, आप लोगों को मालूम है मॉर्निंग में कितना अंधेरा हो गया था, उस समय बारिश हुई, तो प्रोबेबली एक इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ्लक्चुएशन हुआ होगा, इतना जोर का फ्लक्चुएशन हुआ जिसके कारण प्रोबेबली वो नहीं उसको टॉयलेट कर पाया। तो ओपीडी के टाइमिंग भी एक्सटेंड करेंगे क्योंकि पेशेंट हम देखते हैं लगातार, जो पेशेंट आए हैं हमको तो देख के जाएंगे। वैसे भी पीजीआई में किसी भी मरीज को वापस नहीं किया जाता, जो मरीज आता है उसको देखा जाता है तभी वो वापस जाता है, किसी को भी निराश होके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन कितना टाइम बंद है आप बोल रहे हो? उसके बाद तो वो ऑपरेशन कोई नहीं हो रहा था जिसके कारण कोई ऐसे कोई पैनिक नहीं हो रहा था? वो हमने प्रोफाइलेक्टिक दिए थे, याद के तौर पे सबको इवैक्यूएट कर दिया, क्योंकि स्मोक आ जाता है तो उसमें स्मोक की वजह से लोगों को दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए तो भी ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।